भारत में पाम तेल का रिकॉर्ड आयात होने से खाद्य तेल आयात सितंबर के दौरान 63% के उछाल के साथ रिकॉर्ड 16.98 लाख टन हो गया। खाद्य तेल क्षेत्र के प्रमुख संगठन सी ने ये जानकारी दी। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया सी ने ये एक बयान में कहा है कि वनस्पति तेलों का कुल आयात, जिसमें खाद्य और अखाद्य दोनों प्रकार के तेल शामिल हैं, सितंबर के दौरान 66% बढ़कर 17,62,338 टन हो गया, जबकि सितंबर 2020 में ये आयात 10,61,944 टन का हुआ था। सी ने कहा है कि सितंबर 2021 के दौरान खाद्य तेलों के आयात ने किसी एक महीने में 16.98 लाख टन के आयात का नया रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले अक्टूबर 2015 में भारत ने 16.51 लाख टन का आयात किया था। सी के कार्यकारी निदेशक बीवी मेहता का कहना है कि वर्ष 1996 में भारत द्वारा पाम तेल का आयात शुरू करने के बाद से सितंबर 2021 में 12.62 लाख टन पाम तेल का आयात किसी एक महीने में सबसे अधिक आयात को दर्शाता है। अखाद्य तेलों का आयात सितंबर में बढ़कर 63,608 टन हो गया, जो पिछले साल इसी महीने में 17,702 टन था। नवंबर 2020 से सितंबर 2021 11 महीने के दौरान वनस्पति तेलों का आयात पिछले वर्ष की इसी अवधि में 1,22,57,837 टन की तुलना में 2% बढ़कर 1,24,70,784 टन हो गया। कुल वनस्पति तेल आयात में से खाद्य तेल का आयात 1,19,50,501 टन से बढ़कर 1,20,85,247 टन हो गया। अखाद्य तेल का आयात 3,07,333 टन से बढ़कर 3,85,537 टन हो गया। वनस्पति तेल मार्केटिंग ईयर नवंबर से अक्टूबर तक चलता है। सी ने कहा है कि जुलाई 2021 से आरबीडी पामोलिन के आयात के लिए नीति में छूट के कारण अगस्त और सितंबर 2021 के दौरान आयात में तेजी से वृद्धि हुई। नवंबर 2020 से सितंबर 2021 तक कुल मिलाकर आयात 50% से अधिक उछलकर 6.28 लाख हो गया। एसोसिएशन का कहना है कि पिछले साल की इसी अवधि के दौरान 4.16 लाख टन आरबीडी पामोलिन का आयात हुआ था। आरबीडी पामोलिन और आरबीडी पाम तेल का आयात जुलाई 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक के लिए प्रतिबंधित से मुक्त श्रेणी में हो गया है। एसोसिएशन ने कहा है कि पिछले कुछ महीनों में देश में खाद्य तेलों की बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए भारत सरकार द्वारा खाद्य तेलों पर आयात शुल्क की नीति में लगातार बदलाव किए गए हैं। मौजूदा समय में कच्चे पाम तेल पर प्रभावी आयात शुल्क 24.75% है, जबकि रिफाइंड पामोलिन और रिफाइंड पाम तेल पर शुल्क 35.75%, कच्चे सोयाबीन पर यह शुल्क 24.75% और कच्चे सोयाबीन तेल पर यह शुल्क 35.75% है। इसी तरह कच्चे सूरजमुखी तेल पर आयात शुल्क 24.75% और रिफाइंड सूरजमुखी तेल पर 35.75% का शुल्क प्रभावी है। कच्चे रेप सीड तेल पर प्रभावी शुल्क 38.50% और परिष्कृत रेप सीड तेल पर 49.50% है। इंडोनेशिया और मलेशिया भारत को आरबीडी पामोलिन और कच्चे पाम तेल के प्रमुख आपूर्तिकर्ता देश हैं। देश मुख्य रूप से अर्जेंटीना से कच्चे सोयाबीन के तेल का आयात करता है। रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी।